Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I should say, honorable stars of Pakistan, ladies and gentlemen, and other distinguished guests, Assam. Naam bahut bante hain aur banane ke liye badi mehnat karni padti hai. To meri nazar padi Shasha cricket ke naam ko, जो कि मैं कहूंगा बाबा एक क्रिकेट है पाकिस्तान में, जहां भी लोग देते हैं तालियां दूर मारते हैं, खुश होते हैं कि पाकिस्तान का झंडा सामने चला गया है. सॉरी टू से, हमने पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया. सोचना यह कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, दैट इज द कंपैटिबिलिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड. कि इंडियन बैठे होते हैं तो बात करते हैं कि आपको दुश्मन की क्या जरूरत, दुश्मन तो आपके अंदर ही बैठे. क्या ये चीज पाकिस्तान में खत्म नहीं हो सकती? क्या जैसे इंडिया शाइन इंडिया कहता है कि हम शाइन पाकिस्तान नहीं कह सकते? क्योंकि हमने नहीं कहा. हमारा पाकिस्तान टूटा, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया, और बनाने वाला भी हिंदुस्तान था. जब शहीद दुर्गावे भिट्टो एक रेजोल्यूशन लेके गए यूएनओ में और कहा कि इंडिया हमारे टुकड़े कर देगा, और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से नहीं, ये तो पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा हम पे, और वो इल्जाम नहीं, वो हकीकत जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने कही, वो हकीकत बल के सामने आई और बांग्लादेश बना और हिंदुस्तान ने वो तोड़ा. और उसकी कन्फेशन, नोबडी लेस देन द चीफ टेररिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड Prime Minister Modi confessed right in Bangladesh when he was delivering the speech that Pakistan humne toda, Mukti Bani ko humne paise diye, fauj hum leke gaye. To wahi cheez aur replicate karna chahta hai is waqt Baluchistan. Baseet the Interior Minister aaj bhi ek mantri koshish kar rahi hai, humne bhi ki, but the amount of funds which are flowing from India to break Pakistan, I have given the full proofs to the world in the United Nations, Interpol forums, and of course, directly to Mr. Manmohan Singh, the then Prime Minister of India, and also to then Interior Minister Chandavaram and Shandil. They are mum, because there is an international conspiracy. Let me tell you, my dear brother, Pakistan is equally lovable for you, for me, क्योंकि ये हमारी शनाख्त है और ये शनाख्त को हमने बचाना है. मैंने एक यूएनओ के सेक्रेटरी को लेटर लिखा जिसमें मैंने वाजह तौर पर कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा स्टेटेड इन हिज स्टेटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दैट अमेरिका फील्स दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू बी इन ट्रबल इन कमिंग मंथ्स. And it did happen, it is happening, and I think it will continue to happen. Because Hindustan ki, Afghanistan ki, America ka ek bad chhod hai. Aur main yahan nahi keh raha, ye maine Senate mein bhi kaha hai, maine international forum pe bhi kaha hai, aur proof se saath kaha hai. Isliye ki Hindustan ka jo bilateral agreement hua, usme bhi सारा जो सारा टारगेट बनाया गया वो पाकिस्तान, और जो कि रिसेंटली एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ है उसमें इंडियन आर्मी को एक्सेस दे दी गई है मिलिट्री एसेट को अमेरिका के है. वी ऑब्जेक्ट टू इट, वी कंडेम इट, बिकॉज दिस इज ऑल बीइंग वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान. सर, जब बारी आती है खिदमत की, बारी आती है जानवर नजराना देने की, बारी आती है लड़ने की, बारी आती है हमले करवाने की और टेररिज्म फेस करने की, तो पाकिस्तान. और जब बारी आती है नवाज से निछावर करने की, तो इंडिया. ऑब्वियसली दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. आई हैव अ क्वेश्चन टू यूएस फ्रॉम दिस फोरम, कुड प्रेसिडेंट ओबामा टेल द वर्ल्ड, बिकॉज पाकिस्तानी पीपल डिमांडेड दैट व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन विद अस, एंड ऑन टॉप ऑफ इट everybody knows, it is on record that Modi was declared a terrorist under Article 52, whereas according to the American laws,
अगर कोई टेररिस्ट किसी मजहबी लोगों को मारता है या कहीं मैस कॉल करता है तो उसको अमेरिका में आने की इजाजत नहीं है, वो डिक्लेयर होता है टेररिस्ट। उसको टेररिस्ट की लिस्ट में डालता है और उसको वाशिंगटन में गले भी लगाता है। उसके साथ एग्रीमेंट भी साइन होते हैं। तो बताएं कि क्या हक बजान नहीं है, हर पाकिस्तानी पूछेगा अमेरिका से, where is your discrimination? Why are you discriminating Pakistan? Even अमेरिका का लॉ नहीं अलाउ करता डिस्क्रिमिनेशन, और दुनिया में कोई मजहब कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता। और यहां तो हक ये है, मुबीन साहब चेक कीजिएगा रिकॉर्ड कि इंडिया दुनिया में एक बहुत मुल्क है जिसमें ह्यूमन राइट्स के लफ्ज कहने पे अरेस्ट हो जाते हैं लोग। एंड लेट मी टेल यू होल वर्ल्ड फ्रॉम हियर दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर यू हैविंग विद इंडिया। आई डिमांड द डिस्कनेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंडिया बिकॉज दे डू नॉट हैव अ ह्यूमन राइट्स लॉ। आपकी यूरोपियन यूनियन में तो आपको इंपोर्ट की इजाजत मिलती कि अगर चाइल्ड लेबर कर रहा है कोई, अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और यहां तो सुल्तान का सिरे से है ही नहीं है, बैन हो चुका है। लिहाजा मेरी अपील होगी टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, प्लीज लुक इनटू इट, बिकॉज नाउ लोग बहुत बाशऊर है, वो समझते हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए कि आने वाले वक्त में लोग ये फैसला कर ले कि अमेरिका की जो मदद करता है ही गेट्स इनटू ट्रबल। I hope America improves its impression in that region. और एक चीज मैं और बात कर दूं, if the West or anybody else considers that by disbanding Pakistan there will be peace in the region, they are sadly mistaken. Because if Pakistan is destabilized, the whole region will be destabilized, and ultimately the whole world will be destabilized. It's not a threat. I'm just giving my assessment as a former interior minister and having some knowledge of the security. Now, coming on to Pakistan's side, if we are trying to improve our economy, the economy which has been destroyed because of 9/11, जब 9/11 की बात होती है, सभी स्टेटों में रेजोल्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है, और हमारे गरीब निहत्ते कश्मीरी भाइयों का रेजोल्यूशन पिछले दहाइयों से इस वक्त मंजूर शुदा हुआ है, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। Why they two laws? Mr. Ki-moon made up. Well, thousands of Kashmiris are being killed. दुनिया की हर किस्म की जो क्रूरिटी है वो वहां पे एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ती। लिहाजा I also demand from the Prime Minister of Pakistan, who will be delivering a speech in next few days, that highlight this thing and please expose Modi, because Modi is not the Prime Minister of India, he is a chief terrorist. And I also warn the Indian government people that he is going to destroy India. Because jis mulk mein bhi religious extremism aayegi wahan problem hoga. I am on record in one of the conferences in Kathmandu where I told Mr. Chidambaram that your country is going to experience extremism. We could not control these Taliban, Dalmans, do it. And they are facing it. And that's exactly what is happening in India. And you know, the opposition is now, I think, raising head. There is a politician by the name of Mukherjee. I really pay my tribute for her courage, for bringing the entire cruelty which is being exercised on the Kashmiris. So, I understand that when we have here big cozy covers, we talk about it. लेकिन मत भूले उन निहत्ते कश्मीरियों की जिनकी आंखों का निशाना मांग के चले मारे जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल में नहीं लिया जाने का, कोई नहीं देखता। बहरहाल क्योंकि मुबीन साहब ने इस चीज को छेड़ा तो मैंने समझा कि मैं थोड़ी सी इस पे लाइट डालूं, आस्किंग व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज डूइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट कश्मीर। अ फाइनल पॉइंट, सिंस इट रिलेट्स टू द ट्रेड, इट रिलेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, everybody knows
CPAC is a project which is basically between China and Pakistan, and even the present government knows, and my friends also who are privy to it, that it was me and President Asif Zardari who initiated this idea on the Forum of Friends of Pakistan. And that very idea actually was given initiative, and we brought that level, which is now called CPAC. And this port, Gwadar, it was with Singapore. And nothing was happening at that time. We took that port back, and I'm glad, and I really congratulate the present government that they are taking our policies in this particular place. This is not the scratch. And I really appreciate that, and I'm not appreciating here, I'm appreciating everywhere. अब हम जब सीपैक की तरफ चले तो वेस्ट को फिर तकलीफ होनी शुरू होगी, और जिस अंदाज से तकलीफ हुई वो भी आपको पता है, यानी हमारे तीन हमसाए हैं, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ऑफ कोर्स ईरान। ईरान हमारा भाइयों की तरह था, आज वो भी हमारे से मुंह मोड़ रहा है। But that is separate issue, I don't know, because I don't want to talk anything political. But the important thing is that हमारा पाकिस्तान जो इस वक्त सबकी नजरों में है, इसलिए कि 1971 में we didn't have the deterrent called atom bomb. Now we have it. And that's why I'm happy. Prime Minister Modi, it's not 1971. Prime Minister Modi, this is 2016, and we are world's nuclear power. Mind your way, mind your language, mind the way you attack us. We will find you, and the fundamental way that your next generation will know it. So I'm sure you will think 10 times now. Why? Because we have a deterrent. We have a deterrent. And I think we owe it to Shahid Zulfikar Ali Bhutto, and of course successive government have done. But he lost his life. He gave his life for this nuclear. When Henry Nicholson said, we'll make an example out of it, they did make an example, but they couldn't take it. Actually, Shahid Bhutto, example to be a brave man. And he gave this, and we are proud of it, and today we stand, in fact, fully secure, because we are able to say, everyone sitting here, we are proud of it. And we got to be proud of it, because it is made by our nation. मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, अब मैं आ दूंगा जो हमारे चैनल का बातचीत है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा सदीक साहब से कि अगर वो मुझे आनवी में अगर बुला लें तो वो इसलिए कि ओवरसीज के दर्द को ओवरसीज का दर्द शायद मैं ज्यादा जानता हूँ भाई। मैं अगर बात कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर का जवाब दूंगा, अगर हुआ नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन जो भी कोई करेगा अगर आंसर करेगा। थैंक यू वेरी मच जी सर। बात यह है कि मैं ओवरसीज खुद भी रहा है, और एक एक इस हालात में आया कि जिसे आप कहते हैं कि एक डेस्टिट्यूट है, तो वो डेस्टिट्यूट की बहुत बड़ी मैं एग्जाम्पल बना, इसलिए मुझे आपके मसाइल का बहुत अच्छी तरह आपको भी लगा है। ज्यादा वो मसाइल जिन पे मैं पहले बात कर रहा हूँ, एक तो मेरी एक तजवीज होगी कि आपके चैनल ऑफ कॉमर्स को ऑनरी मेंबरशिप सारे पाकिस्तान के चैनल में मिली जाए, और आई विल शो इट कि मैं हर प्रेजेंट को बुलवा के रिक्वेस्ट करा के आपकी मीटिंग करा दूंगा, और जो चैनल ऑफ कॉमर्स के मेंबर यहां है उनको ये फैसिलिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने पाकिस्तान के उनके साथ होना चाहिए, और उसमें विमेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे विमेन जो चैम्बर हैं बन चुके हैं पाकिस्तान में, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट यू के वी आर वेरी मच टू द पावरमेंट ऑफ विमेन, बिकॉज 51% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ कोर्स दे आर द विमेन, सो आई शो यू दैट आर विमेन यूनिटी। सेकंड, मैंने एक तजवीज और एक लेजिस्लेशन बनाई है, और उसमें मैंने ये रखी है कि पूरी दुनिया से 5 MNA, 5 senators और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज में ओवरसीज के लोग होने चाहिए। मैं उस लेजिस्लेशन में, क्योंकि एक फोरम चाहिए होता है किसी को सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं उसमें प्रपोज करूंगा, उसका ड्राफ्ट में आपको भेजूंगा,
चैंबर ऑफ कॉमर्स जो कि वर्ल्ड के हैं, जैसे आपका फोरम है, उनमें से किए जाएं, उनमें से जो लोकल चैंबर है वो अपना इलेक्शन करें कि किसको इस दफा हमने मेंबर बनाना है साहब के लिए। एंड दिस सजेशन इज वेरी मच देयर, आज तक बहुत काम हो चुका है। सेकंड, आई प्रॉमिस्ड व्हेन आई वाज इंटीरियर मिनिस्टर राइट ऑन दिस पोडियम कि हम बसीयत पाकिस्तान का ये मैंने बोला है, छोड़ दिया तो कोई ये ना समझे शायद आई एम डूइंग इट फॉर माय स्टेट, नो वे आई एम नॉट गोइंग टू retake it, but having suffered and having seen the issues of the overseas Pakistanis, मैंने demand की थी उस वक्त और मैंने legislation डाला था कि जितने overseas Pakistanis हैं, उनको right to vote in Pakistan, a right to become a member of the parliament होना चाहिए। वो हम ले गए और उस दिन जिससे कि legislation pass होनी थी, एक हमारा मेंबर बीमार हो गया। अब वो मैं नहीं बता सकता क्यों हुआ, कभी फिर बैठेंगे तो बताएंगे, बहरहाल वो लापास ना हो सका, हुकूमत चली गई। बट आई हैव नॉट लेफ्ट माय एफर्ट्स, आई हैव स्पोकन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो गिवन कमिटमेंट इन यूएस दैट एक ड्रोन एक्चुअली क्या किसी पर तीन ही होगी तो हम उसको मौका देंगे। तो आई इवन रिमाइंडेड हिम अ फ्यू मंथ्स बैक, उन्होंने हामिद साहब जो है उनके मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, एंड आई होप विल बी एबल टू गिव यू अ हैप्पी न्यूज। दो चीजें, एक राइट टू वोट और दूसरा ये आपकी मेंबरशिप जो है और इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर राइट टू वोट है। अगर यहाँ के मुल्क में एक मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तानी यूनियन का, लॉर्ड बन सकता है, वो प्रोमिनेंट पोजिशन में जा सकता है, पढ़ा था अपने शौक के साथ आपके सामने, तो why can't we unlock people? Why? They are not unpatriotic people. They are patriotic people. They had to leave country out of sheer problems. They came here to earn something for the family. आज हमें फखर से देख रहा हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह से कि जिससे आप लोग सारे यूनिटी के साथ बैठे हैं, काश हम सारे पॉलिटिशियन, काश हम सारे पाकिस्तानी भी इसी एक शख्स के नीचे बैठकर अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए बैठ सके। और मेरा है आप एक सबक हमारे लिए, और इस सबक को मैं जरूर लेके जाऊंगा। यहाँ कोई नहीं जानता कौन पीडीपी से, कोई नहीं जानता कौन पीजीआई से, कोई जानता कौन पीएमएलएम से, लेकिन एक कवर है कानून, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक यूनिटी का एक वो प्रिंसिपल है जो हमें सबको आगे लेके जाएगा। आफ्टर ऑल जब कहीं भी जाते हैं, ये तो नहीं कहते कि लिखा होता है, लेकिन हमारी चाल चाल से, बातचीत से हम पहचाने जाते हैं हम पाकिस्तान में। और खुशी है हम मुनफरिद हैं और हमें मुनफरिद रहना चाहिए। बाकी अगर आपको मतलब जैसे आज आप ऑफर दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यहां तक नौबत आनी नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। We all can afford 50 pounds. We all can afford 100 pounds. It's not a 50, it's not a question of 50 pounds, of 100 pounds. This is showing the unity as to how we can get together a forum. ये उंगली है, ये हाथ है, ये मुक्का है। But this मुक्का becomes only when they join. So when you all saw join together, with one voice, and that was one voice goes for Pakistan. I assure you, this voice will be very strong. और यहाँ मैं ladies की तरफ देख के कहूँगा कि मुझे कसीम बहन ने जो बात की है कि मैं सिर्फ अकेली हूँ, वो अकेला दर्द भी सूख जाता है। प्लीज कम फॉरवर्ड, आप अपनी कोलीग के साथ आए एंड ब्रिंग मोर मेंबर्स and I'm sure they all will be very happy. और खासतौर पे यहाँ से ladies भी उठेगी जब तक आपको membership नहीं करके जाएंगे। Finally मैं ये अर्ज करूँगा कि आप देखें डॉक्टर साहब यहाँ बैठे मुझे नजर नहीं आ रहे, काउंसलर हैं हमारे पाकिस्तान के रिलीजन के, हाँ सॉरी रिलीजन के लोग हैं भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह भी थी, तो ये लोग हमारे लिए एक फख्र भी हैं। आप कुछ भी हो, जब लाड वजीर बोल रहे होते हैं तो हम खुश हो रहे होते हैं। हमारे
And we're proud of them. All of them are our stars. But there's a name for Pakistan. जैसे अभी मैं चाचा साहब का नाम दोबारा लूंगा और मेरे में चाचा साहब जिस अंदाज से क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं वो ऐसे करते रहेंगे लिहाजा मैं आप ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही आप साहब हमारे दोस्त को कह रहे थे खाने में उसके दरमियान में काफी टाइम नहीं लगना चाहिए बहरहाल कुछ दोस्त और कुछ मेरे बहने मेरा ख्याल एक प्रश्न करना चाहते हैं नॉन क्रिटिकल पर्सन यू आर मोस्ट वेलकम बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी बैड टेस्ट While we are talking such good things for my country, your country, and of course, when my pressman, my friends of press, they are raising hand. Assalamu alaikum, Malik sahab. जी कैसे हैं आप मैं खरीद ये बड़े अरसे बाद आज लंदन में माशाल्लाह एक तकरीब में देखा और नाज़रीन मलिक रहमान साहब इस वक्त यूरोशिया वर्ल्ड के साथ मौजूद हैं और यकीनन हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे जिस तरह इन्होंने आज पाकिस्तान के लिए जो एक तकरीर की है और मैं समझता हूँ कि अगर ये तकरीर पाकिस्तान में अगर ये करते तो मैं समझता हूँ 18 करोड़ अवाम आपके साथ होती सर बड़ा जज्बा आज माशाल्लाह मैं सलूट करता हूँ आपके जज्बे को मेरी ऐसी ही तकरीरें शायद यहाँ तक नहीं पहुँची मेरी सैनेट में भी सैनेट के बाहर भी ऐसी ही तकरीरें होती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पाकिस्तान के मसाइल हैं चैलेंजेस हैं उनको भरपूर अंदाज से हाईलाइट कर सकूँ बहरहाल ये मेरा मेरे अकेले का एक ड्राइव नहीं है आपकी भी है मेरी भी आने वाली नस्लों के लिए हमने सबने मिलकर काम करना अच्छा एक चीज़ आपने पाकिस्तान के लिए बात की हिंदुस्तान के हवाले से आप इंग्लैंड में हैं मैं सिर्फ आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जब हम इंग्लैंड में कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम अगर बीमार हो जाएं या हमें कुछ भी हो जाए तो विद इन 3 मिनट एम्बुलेंस हम बुला लेते हैं उसके हमें ये फिक्र नहीं होती कि हमारी जेब में कोई पैसा है या नहीं एम्बुलेंस हमें हॉस्पिटल ले जाती है और जो भी इलाज वगैरह होता है वो सब कर देते हैं पाकिस्तान में 67 ईयर्स गुजर गए हैं और लोग मर जाते हैं पहले तो ये कहूँगा जो आप कह रहे हैं मेरी दुआ है कि ये हमारे मुल्क में जल्द अज जल्द हो आप इस वक्त यूके को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते इसके वसाइल उतने नहीं हैं आप सिर्फ सड़कें ही देख लें एड्रेसेस देख लें जीपीआर सिस्टम ही देख लें वो नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी कर नहीं सकते हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम पाकिस्तान को यूके से भी आगे ले जा सकें हम बेहतरी पैदा कर सकें और मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरी कौम में ऑनेस्टी आ जाए कमिटमेंट आ जाए और काम करने की आदत पड़ जाए और ये सोचे कि पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ दिया मैंने क्या दिया अगर ए हर बंदा अपने टाइम का ऑनेस्ट टाइम के 2 घंटे दे दे पाकिस्तान कहीं से कहीं चला जाएगा आप माशाल्लाह जरदारी साहब के बड़े करीब हैं और अब बिलावल साहब भी चेयरमैन हैं और मैं आपके हमारे चैनल के और आपके ज़रिए मैं चाहूँगा कि अगर बिलावल साहब तक ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तान के लोगों को अगर ये मेडिकल की सहूलियात फराम कर दी जाएँ तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम जो है ना जरदारी साहब को और आपको और आपके बच्चों को दुआएँ देंगे जी मैं आपके चैनल को सामने रखते हुए इसके रेफरेंस से नोट बनाऊँगा जी और चेयरमैन को भी दूँगा और को चेयरमैन को भी दूँगा और इस चीज़ को जो आपने मुझे बताया है मैं इसको एक सवाल की सूरत में क्वेश्चन उठाऊंगा सेनेट में और बताऊंगा कि मुझे एक अच्छा रिपोर्टर जिसके दिल में पाकिस्तान का बहुत यूरोशिया वर्ल्ड मोइन नवाब जी मोइन नवाब का सा नोट भी बना दें और मैं वही अपने अंदाज से वो क्वेश्चन सेनेट में ले जाकर पेश करूँगा और कहूँगा कि वो मेडिकल सर्विस वो मेडिकल फैसिलिटी जो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन दूसरे मुल्कों में है वो इस तरह हम करें मलिक साहब अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं समझता हूँ कि आने वाली जो नस्लें हैं वो आपकी नस्लों को सारी उम्र दुआएं देती रहेगी ये आप देख लेंगे कि ये चीज़ जो मैंने आपसे वादा किया है वो डेफिनेटली हो जाएगा बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच